أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. We were discussing about the simple harmonic oscillator और हमने इसमें इसका wave function और जो energy है वो relationships निकाले थे. आज हम using the Hermite polynomials normalization of these wave functions करेंगे और देखेंगे further इसमें क्या हो सकता है. तो वेव फंक्शन जो हमने हर्माइट पॉलिनोमियल को यूज़ करते हुए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकाला था, दैट वाज साई एफ क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू स्क्वायर ओवर टू. और हमने कहा था दिस माइनस वाला जो फंक्शन है ना, दिस विल बी एक्सेप्टेबल. तो ओनली अगर सिर्फ उस सूरत में होगा अगर आपके पास जो फंक्शन एफ क्यू है ना, ये पॉलिनोमियल है जबकि पावर सीरीज ना हो. हमने डिटेल में अपने पिछले लेक्चर में देखा है कि अगर ये पावर सीरीज में होता है तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता है. ये अगेन प्लस क्यू स्क्वायर वाली कुछ फॉर्म बन जाती है जिसको हमने पहले ही अनएक्सेप्टेबल कहा हुआ. और अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा देन इट विल बी एक्सेप्टेबल. तो ये जो पॉलिनोमियल है इट इज शोन टू बी द हर्माइट पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाई एच एन क्यू. हर्माइट पॉलिनोमियल को हम एच एन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ इसकी हमें करनी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन. तो कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज एन ई माइनस क्यू स्क्वायर ओवर टू. दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल एच एन क्यू. यहाँ पर एन जो है वो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है और ये इक्वल है बीटा बाय पाई अंडर रूट ओवर टू की पावर एन एन फैक्टोरियल और होल की पावर वन बाय टू. हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ n is defined as hn cube will be equal to minus 1 ki power n exponential q square or d ki power n exponential minus d minus q square over dqn. तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है. हम n की वैल्यू भी पुट करते हैं और हम एच एन की वैल्यू भी पुट करते हैं. तो इससे हम कुछ पॉलिनोमियल्स जो हैं वो डेराइव करते हैं. यानी हम n इज इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल्स को. तो हर्माइट पॉलिनोमियल हमारे पास है माइनस 1 की पावर n एक्सपोनेंशियल क्यू स्क्वायर डी एन टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू स्क्वायर ओवर डी क्यू एन. और n को जब 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है 1 आता है. n को 1 पुट करते हैं तो आंसर 2q आता है. यानी हमने 1 डेरिवेटिव लेना होगा इस फॉर्म में. और इसी तरीके से 2 जब पुट करते हैं तो हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा डेरिवेशन के नतीजे में वो हमारे पास कैसे आएगा. माइनस वन का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो वन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल क्यू स्क्वायर. और इसका जब लेते हैं तो माइनस टू क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा. और फिर जब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा जी माइनस टू एक्सपोनेंशियल क्यू स्क्वायर डी बाई डी क्यू क्यू ई माइनस क्यू स्क्वायर. और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाकर तो फिर आंसर कुछ आएगा और दैट इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फोर क्यू स्क्वायर. तो फोर क्यू स्क्वायर माइनस टू इसका आंसर आ जाएगा. ऐसे ही थर्ड वाले का एट क्यू थ्री क्यू माइनस ट्वेल्व क्यू आ जाता है. ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि हर्माइट पॉलिनोमियल्स जो हैं इसमें जो क्यू की पावर्स हैं दीज आर इधर ऑल ऑड और ऑल इवन. यहाँ देखें कि इवन है, यहाँ देखें ऑड है, वन और थ्री है. और n इज इक्वल टू वन के लिए भी आपके पास ऑड है. वन के बाद थ्री जा रहे हैं, जीरो के बाद टू जा रहे हैं. तो इस केस में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में आएगा. अगर n की पावर को जीरो पुट करेंगे हम तो हमारे पास साई जीरो विल बी इक्वल टू, इसमें हम n की पावर को जीरो पुट कर दिया हमने और h नॉट q जो है वो वन था हमारे पास. तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आंसर आ जाता है. फिर वन जब पुट करते हैं तो टू क्यू था. तो हमारे पास आंसर जो है बीटा बाय पाई अंडर रूट ओवर टू की पावर हाफ और इस फॉर्म में आ जाएगा. और ऐसे ही टू और थ्री के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आंसर्स आ रहे हैं. और अगेन हमारे पास देखें कैसे आ रहा है कि या तो इवन आ रहे हैं या तो ऑड आ रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस आ जाते हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि वो फंक्शन अगर फंक्शन एफ एक्स जो है इट इज़ अ सिंगल वेरिएबल तो ये सिमेट्रिक उस फॉर्म में होगा अगर एफ फंक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स और तब ये सिमेट्रिक होगा. लेकिन अगर एफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो ये एंटी सिमेट्रिक कंसीडर होगा. और इसके जितने भी पावर वेरिएबल्स होंगे वो सब ऑड होंगे, सिमेट्रिक के केस में सब इवन होंगे. तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो हमें इस फॉर्म में नजर आ रहा है क्योंकि वैल्यू हमने माइनस बीटा एक्स स्क्वायर ओवर 2 पुट की है। यहाँ पर देखें कि एक्स जो है उसकी पावर 2 है विच इज इवन, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सिमेट्रिक और इवन होगा। हर्माइट पॉलिनोमियल के हिसाब से हम देख लेते हैं, पहले वाला जब 1 पुट करते हैं तो इवन है, सिमेट्रिक है। सेकेंड वाले में देखें 2q आया था, और सॉरी 0 पुट करते हैं तो इवन है, फिर 1 पुट करते हैं तो ऑड आ जाता है, फिर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक और इवन आ जाता है, और थर्ड के लिए हमारे पास ऑर्डर एंटीसिमेट्रिक आ जाता है। यानी हर्माइट पॉलिनोमियल सिमेट्रिक होगा जब एन इवन होगा और एंटीसिमेट्रिक होगा जब एन ऑड होगा। तो इसके अलावा हर्माइट पॉलिनोमियल जो है ऑल्टरनेटिवली सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक होते हमें नजर आ रहे हैं। तो जो सिमिट्री है वेव फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक की, वो कैसे आएगी? वेव फंक्शन में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके अलावा हर्माइट पॉलिनोमियल है, दोनों की सिमिट्री को हमें लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सिमिट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एस है और इसी तरीके से हर्माइट पॉलिनोमियल की एस है और एंटीसिमेट्रिक की केस में ए एस है, तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिक सिमेट्रिक होता है तो हमारे पास सिमेट्रिक आ जाएगा, और अगर हर्माइट पॉलिनोमियल सिमेट्रिक सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिमेट्रिक है, हर्माइट पॉलिनोमियल एंटीसिमेट्रिक है, तो एंटीसिमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो और इस तरीके से अगर दोनों एंटीसिमेट्रिक आ जाएं तो भी सिमेट्रिक ही आएगा। तो हमारे पास सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से इवन जब एन इवन होगा तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा, और जब इवन ऑड होगा एन तो एंटीसिमेट्रिक आ जाएगा। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वेव फंक्शन है वो अल्टरनेटिवली सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है और हर्माइट पॉलिनोमियल जो है अल्टरनेटिवली सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फिर किस तरीके से आएगी कि हम उसको कॉन्जुगेट को और ओरिजिनल वाली जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वेव फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है। और हमने देखा कि जब एन इवन होता है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी सिमेट्रिक आती है, और जब एन ऑड होता है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उस सूरत में भी सिमेट्रिक ही रहेगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है। आप देखें कि जब हमारे पास इवन है तो ये सिमेट्रिक है, ऑड है तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया है, फिर इवन है तो ये सिमेट्रिक है, और फिर ऑड है तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हर सूरत में सिमेट्रिक ही रहेगी, और ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन है जो ऐसे स्टार्ट होता है सिमेट्रिक, और ये एंटीसिमेट्रिक है कि एक साइड उसकी आपको नेगेटिव एंड पर नजर आ रही है, दूसरी आपको पॉजिटिव एंड पर नजर आ रही है, थर्ड वाला देखें ये भी सिमेट्रिक है, ये वाला देखें जिसमें ऑड है आपके पास दोबारा से, तो ये फिर एंटीसिमेट्रिक हो जाता है। तो इस केस में आप देखें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में सभी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आपके पास कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई करना है, और हमने देखा है कि एंटीसिमेट्रिक को एंटीसिमेट्रिक से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अगेन सिमेट्रिक ही आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ सिमेट्रीज के बारे में हमने बात कर ली है। एन जब जीरो है तो एच का टू मेगा है, जब वन है 3/2 एच का टू मेगा है, देन इस तरह ये मुख्तलिफ स्टेप्स में एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। अब हम इसके वेव फंक्शन पे कुछ बात कर लेते हैं कि जो वेव फंक्शन है दीज आर ऑल्टरनेटिवली सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, जबकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व जो है वो सारे के सारे सिमेट्रिक है। नंबर ऑफ नॉड्स इज इक्वल टू द क्वांटम नंबर, यानी देखें जब आपके पास एन जीरो है तो यहाँ पर कोई हमें नॉड नजर नहीं आ रहा, जब एन वन है तो हमें एक नॉड नजर आ रहा है, जब एन टू है तो हमें दो नॉड नजर आ रहे हैं, और जब एन थ्री है तो हमें ये देखिए तीन नॉड्स नजर आ रहे हैं, यानी 1, 2, 3 नॉड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। तो आप देखें कि साइज जीरो में कोई नॉड नहीं है, वन वाले में वन नॉड है, यहाँ पर भी देखें वन नॉड है, यहाँ पर देखें टू नॉड्स हैं, और यहाँ पर थ्री नॉड्स हो जाते हैं। मतलब एन के पावर एन की वैल्यू के हिसाब से जो आपके पास है नंबर ऑफ नॉड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू द क्वांटम नंबर। और फॉर एन इज इक्वल टू वन स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंटर इज जीरो, जब आपके पास एन वन है तो सेंटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मालूम करने की प्रोबेबिलिटी देखें जीरो हो गई है, ये हमें नॉड से नजर आ रहा है। बट इट इज फाइनाइट ऑन इधर साइड ऑफ, दोनों साइड पर आपको इसकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों साइड पर ये प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइनाइट है। तो बोथ साई एन और साई एन स्टार आर नॉन जीरो इवन बियॉन्ड द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशन। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पर आपके पास आते हैं, यानी ये वाला है, ये वाला है, तो यहाँ पर जाकर आपको दोनों ही जो साई और साई
एंड स्टार है नॉन जीरो नजर आते हैं. इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है इट कैन पेनिट्रेट द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एंड कम इन टू द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यानी टर्निंग इफेक्ट हो सकता है. अब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को देख लेते हैं. हम कहते हैं फॉर द वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द सेंटर. ये ऑब्जर्वेशन जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द क्लासिकल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू विच जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है इट इज मैक्सिमम एट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ मोशन. क्योंकि पार्टिकल जो है वो मोमेंटरली एट रेस्ट आएगा जब वो टर्न होना चाहेगा. यानी हमारे पास देखे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि पार्टिकल यहाँ जाता है फिर यहाँ से टर्न होता है फिर यहाँ आता है फिर यहाँ से टर्न होता है. तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स है ना यहाँ पर हम कहते हैं कुछ देर के लिए वो रुकता है. तो यहाँ पर फिर पार्टिकल को लोकेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो सकती है. तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द टर्निंग पॉइंट. जिसका मतलब है फॉर एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज ऑफ n जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स और क्लासिकल मैकेनिकल रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाएंगे. यही बोहर का कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है. यानी जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये देखें कि अगर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो यहाँ से लेके यहाँ यहाँ से यहाँ इस तरीके से कर रहा है तो हम ये बात करें कि क्लासिकली किसी भी पार्टिकल के यहाँ पर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम, यानी नोड्स पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम होगी. लेकिन जब हम यहाँ क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो जब साइज जीरो है तो आप ये देखें कि आपके पास सेंटर में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है. और इसी तरीके से साइज वन में आप देखें तो भी उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ मैक्सिमम है वो कुछ और पॉइंट्स हैं अनलेस के उनके टर्निंग पॉइंट्स हैं. लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स पर पाए जाने की वो जैसे जैसे एन की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है वो इंक्रीज होती जा रही है. यानी जो नोड पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज आपके होते जा रहे हैं. तो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर जो है वो क्लासिकल मैकेनिकल बिहेवियर को जो क्वांटम मैकेनिकल जो आपके पास बिहेवियर है वो क्लासिकल मैकेनिकल बिहेवियर को कोरस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं जब आपके पास एन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. तो एन की वैल्यू जब कम होगी तो उस वक्त क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट लागू रहेंगे. लेकिन जब एन की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास क्लासिकल मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट जो हैं वो आपके पास आइडेंटिकल हो जाएंगे. और यही बोहर कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है. अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का. जो एनर्जी है क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर की वो n प्लस हाफ एच का ओमेगा है, जहां पर n वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और जो द अक्रंस ऑफ द क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इसी एनर्जी की वजह से है. तो एनर्जी ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटाइज नहीं है. क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट अकाउंट फॉर द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती. लॉस्ट एनर्जी जो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की है वो हाफ एच का ओमेगा है, जबकि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई नॉन जीरो पॉइंट एनर्जी होगी. इसके अलावा वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट जहाँ पर n इज इक्वल टू जीरो है वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में वहाँ उस ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ मोशन इन क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में टर्निंग पॉइंट पर उसको पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है. इसके अलावा द पार्टिकल कैन पेनिट्रेट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एंड एंटर द क्लासिकल फॉरबिडन जोन फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर. जबकि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पार्टिकल वुड ऑलवेज बी कन्फाइंड टू द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, यानी इसमें कोई टनलिंग इफेक्ट नहीं हो सकता. तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जब n जीरो है तो आप ये देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है. ये अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हवाले से बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है यहाँ. लेकिन क्लासिकली जो है वो ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम होनी चाहिए. तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक रिवर्स बिहेवियर है क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का.